We've got the latest health update on Anna Hazare. Times Now has been told that Anna Hazare has refused to be put on drips. Now his weight and his BP have both dropped. His weight has now gone down to 66.2 kgs. His BP is at 140 by 86. Pulse is 82. आज अन्ना जी के अनशन का नौवां दिन है। आज अन्ना जी के अनशन का नौवां दिन है और अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया था तो जो उनका बीपी है वो 140 बाई 86 आया है। वजन में कल के मुकाबले 200 ग्राम और कम हुआ है, यानी कि अब उनका वजन 66.2 केजी रह गया है। फास्ट से पहले आप सबको जानकारी है ही वो 72 केजी था। अब ब्लड शुगर 106 आया है। दैट्स इट। सर पल्स क्या है? पल्स रेट है 82 और रेसिप्रोकेटिंग रेट है 18 मेरे। अभी वो तो अब ये तो इंस्पेक्टर ऐसा कैसे क्या बता रहे हैं? क्रिटिकल है, ठीक है, स्टेबल है, क्या बोलते हैं? अभी और चीजें डॉक्टर्स ने सैंपल वगैरह लिए हैं जिनके बेस पर कल कुछ उन्होंने कमेंट्स दिए थे। अभी और टेस्ट लिए हैं, ब्लड वगैरह कलेक्शन किया है, सैंपल कलेक्शन किया है, उनकी रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ओवरऑल डॉक्टर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं? क्या किस तरह की डॉक्टर? अभी आज के सैंपल के जितने टेस्ट की रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। अभी डिटेल्स जो है मैंने बताया, ब्लड प्रेशर 140 बाई 86 है और वेट जो है वो 200 ग्राम कम हुआ है। वो अन्ना जी ने रात मना कर दिया था, सबके सामने अनाउंस कर दिया था तो मुझे नहीं लगता उस पर अन्ना जी मुश्किल होंगे। वो रिपोर्ट अभी आएंगे, अभी गया है उसके बाद बताएंगे। नहीं अभी कुछ नहीं। मनीष सिसोदिया ओवर देयर giving a health update on Anna Hazare. Do remember that it is the ninth day of his fasting. What we are getting to know at this point in time is that his weight and BP have both dropped. Sab doctoron ne Anna ji ko abhi examine kiya hai. Ab wo raat ko theek soye hain. Rest se unki condition kuch behtar lag rahi hai, par abhi bhi unka jo blood test the kal ke uske andar hame ये लगा है कि भाई अगर जो उनके कीटोन्स बढ़ रहे हैं और जो सारे पैरामीटर्स डिटेरिएट हो रहे हैं तो हमने इसलिए अन्ना जी को रात को रेकमेंड किया था कि सेफ्टी के नाते इनको हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। वो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, कहने लगे कि नहीं ये मेरा संघर्ष चलेगा तो मैं नहीं यहाँ से हिलूंगा। फिर हमने कहा कि ये इसको अगर जो डेंजर जोन से बाहर निकालने के लिए हम इंट्रावीनस दे दें तो पहले तो वो मान गए थे, जैसे मैंने कल बोला अभी पहले तो मान गए कि करना चाहिए, फिर वो कहने लगे कि मेरी आत्मा नहीं मानती तो उन्होंने वो भी मना कर दिया। फिर हमने रेकमेंड किया था कि अपना वाटर इंटेक ज़्यादा कर दें, उससे कुछ राहत मिलेगी तो, और रात को कि उनको रेस्ट करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि इस कंडीशन में उनको ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करना चाहिए क्योंकि जितना स्ट्रेन करेंगे उतना उनका कैटाबॉलिज्म बढ़ेगा। तो ये फिक्र तो हमें है कि उनका कैटाबॉलिक स्टेट शुरू हो गया है और इस पर बहुत कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, पर हमारी रिकमेंडेशन उनको यही है कि ये सेफ्टी के लिए इनका कुछ सुधार करना चाहिए। तो अभी सुबह ब्लड टेस्ट होंगे, दोपहर तक उनके रिजल्ट्स आएंगे तो हमें पता लगेगा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और जो फ्लूइड इंटेक लेने से उनकी कंडीशन इम्प्रूव हुई है, स्टेबलाइज हुई है कि नहीं। तो अभी इस टाइम तो ऐसा है कि टीम यहाँ रहेगी और लिक्विड उनका इंटेक बढ़ाया तो उससे क्या है कि अगर जो स्टेबल कंडीशन रहेगी तो फिर शाम को उनसे मशवरा करेंगे कि कैसे इसको आगे चलाया जाए। बट ये ज़रूर है कि हम फुल अलर्ट पे हैं, हमारी टीम उनके साथ है और हम उन पर फ्रीक्वेंटली उनका सारा वाइटल साइंस चेकअप कर रहे हैं तो हम अपनी तरफ से तो पूरी पूरी उनकी हिफाजत करेंगे, पर उनको भी कोऑपरेशन करनी चाहिए। पर मैं फिर आज के ब्लड टेस्ट के बाद फिर मशवरा करेंगे उनसे और आप लोगों से वो फिर शेयर कर सकते हैं शाम को।